दोस्तों आपका मेरे चैनल पे एरोमा NB119 डूम का आज मैं रिव्यू करूँगा। बहुत सारे इसके एयरफोन्स लॉन्च होते जा रहे हैं और बहुत लोग परचेज़ भी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि एक्चुअल जो मटेरियल का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, मगर ये लोग जो लेते हैं ब्रांड के प्राइस ये लोग बढ़ा देते हैं और ब्रांड के वजह से मतलब ब्रांड का प्राइस बढ़ा के ये लोग बेचते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बहुत लोग ये समझते हैं कि ये जो एयरफोन है ये नहीं चलने वाला चाइना का है। चाइना का तो सब माल चाइना का ही है, लेकिन बेसिकली ये टिक जाता है और काफ़ी अच्छा भी चलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई सारे एरोमा एयरफोन्स के मैंने रिव्यू किए हैं। आपको इसके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है कौन सा एयरफोन है। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप देखोगे वीडियोस तो आपको ऐसा कोई भी कुछ भी मतलब सिर्फ अनबॉक्सिंग करके और सिर्फ उसका क्वालिटी आपको पता चलेगा, आपको कॉल कनेक्टिविटी कैसा है उसका, क्या आप इसका कॉल कनेक्टिविटी माइक बराबर पकड़ता है कि नहीं, वो सब आपको पता नहीं चलेगा। बैटरी बैकअप कितना, चार्जिंग का क्या है, कैसा ऑन करना है, सब आपको मैं इधर डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले इसकी मैं बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की, तो अगेन साउंड क्वालिटी में एक चीज़ होता है कि बार बार मेरे हिसाब से मैंने ट्राई किया था, इसका एक ही प्रोडक्ट था तो ऐसा मतलब थोड़ा सा क्या बोलता है इसको, जैसा जैसा उसके एयरफोन्स को हिलाएंगे तो सरसराने की तरह आवाज़ आने लगती है, तो वो डिफेक्टिव ही मेरे हिसाब से होगा, लेकिन फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ इसको इसमें। तो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरली जितने भी एरोमा के एयरफोन से सबके जैसा ही इसका भी क्वालिटी है, या डेफिनेटली बेस थोड़ा कम है। 359 रुपीज़ का समथिंग ये आता है, फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इसका बैटरी बैकअप लगभग, अगर कोई हैवी यूज़र है बहुत ज़्यादा ये करता तो एक दिन लगभग पकड़ लो, नहीं तो भी डेढ़ दिन तक ऐसा तो भी चला जाएगा, तो डेढ़ दिन तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसका, दैट इज़ फॉर श्योर। 3 घंटे लगेंगे इसे पूरे चार्ज करने के लिए, और अगर आपको इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहला तो जो बीच का बटन होगा प्ले बटन, उसे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, फिर रेड और ब्लू लाइट दोनों एक साथ ब्लिंक करेंगे, फिर उसके बाद उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फिर वो हो जाएगा। फिर जब भी आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना होगा तो बस आपको फ़ोन का ब्लूटूथ ही ऑन करना, बाकी कुछ नहीं। कभी कभी बीच बीच में ये स्विच ऑफ भी हो जाता है तो उसको ऑन करते रहना पड़ेगा, प्रेस एंड होल्ड बटन दबाना है। उसके बाद में इसकी बात करते हैं, कॉल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। कॉल कनेक्टिविटी में जो माइक अगर आप रखते हो तो माइक का आवाज़ बराबर पहुंचता है, आपको भी बराबर अच्छे से सुनने का आएगा, सामने वाले को भी क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही अच्छे से सुनाई देगा, सामने वाले को जब आप माइक से बोलोगे तो उसका भी क्वालिटी अच्छा जाता है, तो कोई वांदा नहीं। ब्लूटूथ रेंज भी अच्छा है, बट इतना है कि दीवार अगर बीच में आ जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा या फिर बीच बीच में ये कट होने लगेगा, तो वो एक रहेगा। तो ब्लूटूथ का ऐसा फंडा है। उसके बाद में बैटरी का मैंने आपको बता दिया, ब्लूटूथ का बिल्ड क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है, ठीक है जो भी है समझ जाता चल जाता है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि क्या आपको ये एयरफोन लेना चाहिए। बैटरी को लेकर अगर आपको कोई समस्या नहीं, अगर आपका बजट सिर्फ 350 ही है, उसके ऊपर अगर आपको हो ही नहीं पा रहा है, आप सोच रहे हो कि मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है कि मेरा उससे ऊपर नहीं हो पा रहा है, देखो मैं तो एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ले रहे हो तो ऐसा करके लो कि आपको आगे तक देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मानो कि अगर आपको कभी कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए गए और अचानक उसका बैटरी डाउन हो गया, वो जो कि डेढ़ दिन में या एक दिन में बैटरी उसका डाउन होना ही है, तो वो एक इशू बन जाता है बार बार चार्जिंग करना। इसलिए बहुत सारे लोग आज के डेट में ज़्यादा MAH बैटरी वाले स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं, क्योंकि एक दिन में बार बार चार्ज करना पड़े या फिर एक दिन में एक बार भी अगर चार्ज करना पड़ रहा है तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होने लगता है, इरीटेशन होता है। सो फॉर दैट आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको फिर भी 350 अगर आपका बजट है ऊपर नहीं जा रहा, बट नॉर्मल है, इससे अच्छा अच्छा और भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन लोगे तो ऐसा नहीं कि आपका नुकसान होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा और पैसा बढ़ा के लेंगे तो मेरे नज़र में एक ही दो तीन है, बादशाह इज़ ऑल्सो गुड, जो NB119 बादशाह है, बी वाला है, कार्टर ऑल्सो गुड, एडवांस ऑल्सो गुड, टाइटेनियम अच्छा लगा मेरे को, 19 प्रो भी अच्छा लगा,